माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग भले चंगे होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। और आज सुबह सुबह मैं बना रही हूँ पनीर की भाजी, तो प्लीज़ आप लोग फटाफट खाने के लिए आ जाओ। मैं बनाने से पहले ही बोल रही हूँ, बाद में ये मत कहना कि हमें बुलाया नहीं, तो आ जाइए जल्दी जल्दी। और आपको पता है मैं बहुत अच्छी भाजी बनाती हूँ पनीर की, तो इसलिए आप लोग आ जाओ ना खाने के लिए। और ये देखिए, मैं इसमें नारियल और कांदा, लहसुन और थोड़ा सा अदरक सब मैं पीस के इसमें डालने वाली हूँ, क्योंकि इससे इसकी जो पनीर की ग्रेवी होती है ना, वो काफ़ी टेस्टी बनती है। और ये डाल रही हूँ मैं मेथी का जो पत्ता होता है, इसको कसूर मेथी बोलते हैं, सूखा हुआ पत्ता रहता है, उसको मैं थोड़ा सा रगड़ के इसमें डाल रही हूँ, जिससे कि इसकी जो पनीर की स्मेल होती है ना, वो काफ़ी अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा लगता है, मतलब चेंज हो जाता है थोड़ा। और ये मैंने जो पिज्जा था मेरा, जो ग्रेवी था, वही नारियल, कांदा, लहसुन, हरी मिर्ची, वो सब मैंने इसमें डाल दिया है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा मतलब नॉर्मली सब्ज़ी में जितना पड़ता है उस हिसाब से मैंने डाल दिया है। और इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं इसे ढक दूँगी, और ढकने के बाद मतलब 10-5 मिनट तक रहने दूँगी। जब थोड़ा अच्छे से पक जाएगा तो इसमें बाकी का मसाला डालूँगी। तो ये देखिए मेरा टाइम मतलब हो गया है 10 मिनट, और मैं इसमें मसाला और थोड़ा सा पानी मिक्स कर दी हूँ। और फिर से इसको मैं चला वला के ढक दूँगी। और फिर इसके बाद मैं जा रही हूँ अभी आटा लेने। और फ्रेंड्स, आपको पता है मैं आटा दूसरे मतलब हमारा दूसरा बेडरूम है ना, उसमें रखती हूँ, क्योंकि हमारा ये किचन खुला है, ट्रॉली व्रॉली तो है नहीं, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं, तो मैं दूसरे बेडरूम में ही राशन का सारा सामान रखती हूँ। तो जब मुझे आटा लेने मतलब आटा सानना रहता है, गूंथना रहता है, तो मैं बगल वाले रूम में जाती हूँ और वहाँ से आटा निकाल के लाती हूँ। तो मैं वही लेके आ गई हूँ, और अभी आटा को मैं गूंथ के अच्छा सा सॉफ्ट कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म पूड़ी। और मेरी जो प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है, मतलब जो आप लोग हो प्यारे प्यारे से, प्लीज़ आ जाओ खाने के लिए। वैसे भी हम दूर तो रहते नहीं हैं, तो फिर आ जाइए। और हाँ, अगर हमारे खाने का टेस्ट मतलब हमारा जो मैं बना रही हूँ पनीर की भाजी पूड़ी, तो आप लोग खा के बताइएगा कैसा है। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग जैसे हो ना प्यारे प्यारे से, वैसे ही एकदम प्यारा सा कमेंट, ओके? तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी आटा सान रही हूँ आप लोग से, देखो बात करते करते क्या हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा मसाला भून के हो गया है, और मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, जितना कि हमें ज़रूरत होती है उस हिसाब से डाल देती हूँ। ऐसे फ्रेंड्स, आपको पता है मैं ना नमक थोड़ा ज़्यादा ही खाती हूँ, जब भी हल्का नमक रहता है ना तो मुझे टेस्ट ही नहीं पता चलता है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही नमक डालती हूँ। और अगर मैं किसी के यहाँ जाती हूँ और मैं उनके घर का खाना खाती हूँ ना, तो मुझे नमक पता ही नहीं चलता है, मैं अक्सर अलग से नमक लेके मिक्स करके खाती हूँ। और ये देखिए मेरा आटा वाटा गूंथ के हो गया है, तो मैं अभी पूड़ी छान रही हूँ। तो मेरे दोनों बच्चे आ गए, जिद कर रहे हैं दोनों की मम्मा मैं भी पूड़ी बनाऊँगा। तो मैं अभी रचित को दी थी, तो फिर उसने क्या किया, पूड़ी को इधर उधर मतलब ख़राब बना दिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया का नक्शा ही बना दिया था, तो इसलिए मैं उसको अभी डांट के भगा दी हूँ। और ये देखिए मैं एक तरफ पूड़ी भी बना रही हूँ, और एक तरफ मैंने तवा भी गर्म कर होने के लिए रखा है, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड के लिए थोड़ा सा रोटियाँ भी बनाऊँगी, क्योंकि उनको मतलब थोड़ा सा एसिडिटी वैसिडिटी होता है, और तेल वेल का थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं आजकल, क्योंकि तकलीफ़ हो रही है, मतलब अक्सर एसिडिटी होती है, कभी सीने में दर्द होता है, तो कभी कहीं होता है, इधर उधर होता रहता है, तो इसके लिए थोड़ा सा मतलब इग्नोर कर रहे हैं वो। तो फ्रेंड्स, वही है, अभी रोटियां दो चार हो जाएंगी तो मैं उनको देती हूँ। वैसे आपको पता है अभी तक वो सो भी रहे हैं, अभी बज रहे हैं 10 और वो सो रहे हैं, क्योंकि वो रात को सेकंड शिफ्ट करके आए थे, तो रात को आते तो फिर वो ना 1:30 क्या अभी 2:30 बजे तक लगभग वो मोबाइल देखते हैं, फिर उसके बाद सोते हैं, तो फिर सुबह देर से ही उठते हैं। मतलब जब भी मैं नाश्ता दूँगी ना, मतलब 10-10:30 बजे ही देती हूँ, तब वो सो के उठते हैं। तो ऐसा है हमारे पति सोने के ना महारत हासिल किए, मतलब एकदम धनी है वो सोने के।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, श्रीखंड है जो हम डीमार्ट से लाए थे, और मेरा बच्चा भी जिद कर रहा है खाने के लिए, तो उसको भी निकाल दी हूँ। और ये देखिए हमारा खाना रेडी है, तो आ जाओ आप लोग खाने के लिए। ओके, बन गया मेरा। आपसे बात करते करते देखिए मेरा काम कितना आसान हो गया। ये श्रीखंड है, चाय भी रखा है मैंने साथ में, और रोटी पूरी और थोड़ा सा राइस भी है। तो प्लीज़ फ्रेंड यही सपोर्ट कीजिए, और मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और चलिए बाय, टाटा, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग हमारा इंतज़ार।